कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत आती है कि नसीरुद्दीन शाह इस प्रकार की बात करते हैं और घर में हिंदू पत्नी दीना पाठक वो पाठक हैं, इसी प्रकार से शाहरुख की पत्नी गौरी हैं जो हिंदू हैं, इसी प्रकार से जो है अन्य कई हैं, अपने आमिर खान हैं, उनकी भी किरण खैर थी। तो इन लोगों को थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्या इनको इनकी पत्नियों से कोई परेशानी रही? उनकी पत्नियां वो भी सहिष्णुता की प्रतीक हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व वो भी करती हैं। मुझे लगता है कि उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बात कह कह के ये लोग जो है नफरत फैलाने की खुद कोशिश कर रहे हैं। हमें राहुल गांधी से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की इसलिए आवश्यकता नहीं है, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं कि अपना बैटल फील्ड उन्होंने खुद चुना, जिसको अमेठी कहते हैं, जहां पर 52 से वो लोग जीत के आ रहे हैं और अमेठी की जनता ने उनको हरा करके उनको गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए राहुल गांधी की बातों को न देश गंभीरता से लेता है, न हम लोग लेते हैं। और अब राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नेता बॉस कह रहे हैं, एक देश के हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान हमें मिल रहा है, वैश्वीकरण वैश्विक नेता के रूप में छवि हो रही है, यूक्रेन और रूस दोनों हमारी तरफ देख रहे हैं, G20 जिसका 85% आबादी है, 75% ग्लोबल इकोनॉमी है और उसके हम उसकी सदारत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी को अमेठी ने ही गंभीरता से नहीं लिया है तो दुनिया तो, लेकिन उनको जो बात कहनी चाहिए भारत में कहनी चाहिए, विश्व के पटल पर जाकर के इस प्रकार की बातें करके वो इस देश की सभ्यता संस्कृति का भी अभी मजाक उड़ाते हैं और देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। ये मोदी जी का अपमान नहीं है, राष्ट्र का अपमान है, जो बाहर जाकर के वो रोते हैं।